प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा गरीब असहाय निर्धन परिवारों की कन्याओं का विवाह कराने के लिए कशमकश जारी है। इसी को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। शासन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगामी 17 मार्च को सामूहिक विवाह सम्मेलन विवाद द्वारा संपन्न कराया जाएगा। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक सामूहिक विवाह सम्मेलन समारोह को लेकर अधीनस्थ अधिकारी प्रयासरत नजर आ रहे हैं। मौजूदा वर्ष में मिले शासनादेश के बाद सामूहिक विवाह के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रशासनिक अमला जद्दोजहद में जुटा हुआ है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर शेष लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए आयोजित होने वाले विवाह समारोह जल्द ही पूर्ण किए जाएंगे। इसी संदर्भ में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार ने विवाह समारोह को लेकर विस्तृत जानकारी देने का काम किया। विवाह को लेकर जो विवाह को लक्ष्य मिला था, अब तक कितने विवाह करा चुके हैं? सर, जनपद में 1093 का लक्ष्य अवशेष था, जिसकी सापेक्ष हम लोगों ने 26 तारीख में 786 शादियाँ कराई हैं सामूहिक रूप से, और 28 तारीख में अवशेष जोड़ों में से 95 जोड़ों की शादी पुनः जो है नगर निगम स्तर पर कराई गई है। इस प्रकार से जो लक्ष्य था 1093 उसके सापेक्ष हमारे पास 212 शादियाँ अभी करने के लिए अवशेष हैं, जिसके लिए 17 मार्च का टाइम निर्धारित किया गया है। सभी ब्लॉकों को अवगत करा दिया गया कि 17 तारीख में जिन भी ब्लॉकों ने अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं किया है, वह अपने लक्ष्य के अनुरूप जोड़ों को पात्रता का दायरा में रहते हुए उनका चयन कर लें और उस डेट में वो आपसे शादी को संपन्न कराएं। तो लक्ष्य प्राप्ति पर ना पहुंच पाना आवेदकों का कुछ कारण रहा, आवेदन का वजह रही, या कोई उनके दस्तावेज में कमियां पाई गई? हाँ, निश्चित रूप से दस्तावेजों में ये कमी मूल कारण रहा है। दस्तावेज अगर कंप्लीट नहीं होते हैं, और उसमें बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, एज का भी फैक्टर रहता है, अगर एज उनकी कम है और अगर उनका पूर्व में ये संज्ञान में आया, पूर्व में शादी हो चुकी है या 2 दिन पहले 1 दिन पहले शादी हुआ है, तो उसको जोड़ों को हटा दिया जाता है। जैसे कि इसको इस तरह से देख सकते हैं कि सूचना हमारे पास 100 की प्राप्त हुई है कि 100 शादी हम इस डेट में करने जा रहे हैं, और उससे 1 दिन पूर्व में ही 2 जोड़ों ने अगर शादी कर लिया तो हम 98 ही जोड़ों को शादी में सम्मिलित करेंगे। वहीं अगर फर्जी तरीके से अगर ऐसे जोड़े शादी कर लेते हैं जी, तो उसके खिलाफ किस तरीके से विवाह? निश्चित रूप से उन पे जो है कार्रवाई बनती है। जो उन्होंने इस दौरान सामग्री प्राप्त किया शादी का, वह सामग्री उनको वापस करना होगा, और जो भी उसके लिए दोषी कर्मचारी हैं उन पे जो नियमानुसार कार्रवाई है वह उन पे जो है प्रचलित की जाएगी। और इसमें पात्रता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना है, और जो इसके लिए दोषी है उसको दंडित किया जाना निश्चित रूप से हमारे जोड़े के साथ साथ जो जांच अधिकारी होते हैं क्या उनसे भी कार्रवाई का कुछ प्रावधान? देखिए, अभी तक जनपद में कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया कि इस तरह की कार्रवाई प्रचलित की जाए, लेकिन अगर कोई संज्ञान में आता है तो निश्चित रूप से इस तरह की कार्रवाई हम निश्चित रूप से करेंगे। गरीब निर्धन और असहाय परिवार की कन्याओं को वैवाहिक परिणय सूत्रों में बांधने के लिए उनके पारिवारिक लोगों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी ऐसे परिवारों के सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार की माने तो आगामी 17 मार्च को शेष लक्ष्य से बचे हुए वर वधु के जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराने के लिए सामने आ रहे हैं। जहाँ एक ओर लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी तो वहीं दूसरी ओर निर्धन परिवारों की बच्चियों का विवाह सम्पन्न कराते हुए इस लक्ष्य को पूरा करते हुए पुण्य लाभ कमाया जाएगा। हालांकि विभाग द्वारा बीते दिनों सैकड़ों जोड़ों को परिणय सूत्रों में बांधा जा चुका है, उसी की तर्ज पर आगामी दिनों में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में वर वधु को बतौर उपहार घरेलू सामान दिया जाएगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।